हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10th मैथमेटिक्स में, 10वीं की गणित में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हल सहित, जिनका हम आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे। ये भाग एक है जो काफी इम्पोर्टेंट होंगे आरबीएससी के बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम जो है वो जून एंड में डिसाइड हुए हैं, सो उसके लिए हम आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लाएंगे सॉल्यूशन के साथ। आप इनको प्रैक्टिस करते रहिए। सो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर वन। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1-2, 3-0, 1-2 और -1-0 एक वर्ग के शीर्ष हैं। हमें ये बताना है कि ये चारों बिंदु जो हैं, चारों पॉइंट्स हैं, उनसे एक वर्ग बनता है। तो हमने इसके उत्तर में क्या करना है, हम मान लेते हैं, माना ए बी सी इन पॉइंट्स को मैं चार जो कोऑर्डिनेट गिवन है उनको ए बी सी डी नाम दे देता हूं। अब मेरे को वर्ग के लिए क्या चाहिए, हमें पता है वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों कर्ण उसके बराबर होते हैं, तो हम यही फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उसके लिए दूरी फॉर्मूला लेंगे, दूरी सूत्र हम लिखते हैं, तो ये बनता है अंडर रूट x2-x1 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे मैं ए बी जो चार भुजाएं बनेंगी, ए बी बी सी सी डी और डी ए, इन चारों को मैं पता लगाता हूं क्या है। सो ए बी में हम लिखेंगे 3-1 का स्क्वायर प्लस 0+2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 3-1 2 हो गया, 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, 4+4 ये अंडर रूट 8 इसका डिस्टेंस हो गया। अब हम बी सी फाइंड आउट करेंगे, बी सी के लिए भी ये x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2 का। सो 1-3 का वर्ग प्लस 2-0 का वर्ग, ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर का मतलब 4 और 2 का स्क्वायर भी 4, दूसरी भुजा भी है अंडर रूट 8। अब हम तीसरी भुजा सी डी का पता लगाते हैं, सी डी है -1-1 का स्क्वायर प्लस 0-2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाता है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास तीसरी भुजा भी अंडर रूट 8। और अब हम डी ए फाइंड आउट करते हैं, डी ए में -1-0 है और 1-2 है, सो 1+1 का होल स्क्वायर प्लस 0+2 का होल स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 8। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि चारों भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए ये बराबर हो गई। लेकिन इसको वर्ग बताने के लिए हमें इसमें दोनों कर्ण को भी बताना पड़ेगा, कर्ण क्या बनेंगे इसमें, ए सी और बी डी। अब मैं ए सी के लिए करता हूं, सो 1-1 का होल स्क्वायर प्लस 2+2 का होल स्क्वायर का वर्गमूल, तो ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 4 का वर्ग का अंडर रूट जो बन जाएगा 4। इसी तरह से बी डी के लिए -1-3 का होल स्क्वायर प्लस 0+0 का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास बना -4 का स्क्वायर का अंडर रूट जो कि 4। सो यहाँ पे ए सी जो है वो बी डी के बराबर आया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों कर्ण बराबर हैं, अतः ये 4 निर्देशांक 1 वर्ग के हैं। इस तरह से हम इसे सिद्ध करेंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रश्न 2, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए
जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद क्रमशः 14 तथा 18 हैं। इस प्रश्न को करने के लिए माना प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर स्मॉल डी है, यह हमने मान लिया। साथ में हमें दिया हुआ है कि द्वितीय पद मतलब ए टू जो है वो 14 है और तृतीय पद 18 है, तो हम यहां से स्मॉल डी जो सार्व अंतर है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। वो हमें पता है ए थ्री माइनस ए टू, सो 18 माइनस 14, तो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4। इसे हम एक बॉक्स में लिख लेते हैं। अब हमें ए की वैल्यू बतानी है, हमें गिवन है, हमें पता है ए टू की वैल्यू 14 है, इसे हम लिखते हैं ए प्लस डी। अब ए का जो मान, डी का जो मान है 4, वो हम यहाँ पे लिखते हैं डी की जगह पे, तो यहां से ए की वैल्यू हो जाती है 10। सो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, ए की भी और डी की भी, लेकिन हमें पता लगाना है कि 51 पदों का योग कितना होगा। इसका मतलब हमें पता लगाना है S51। तो हमें इसके लिए फॉर्मूला लेंगे SN=(n/2)2a+(n-1)(d). अब इस फॉर्मूले में हमें S51 चाहिए, तो यहाँ पे हमें पता है n की जगह हम 51 लिखेंगे, 2a का मतलब 10 प्लस 51 माइनस 1, डी की जगह हम लिखेंगे 4, तो इसका आंसर बनेगा 20, ये हो गया 50, 50 को हम 4 से गुणा करते हैं तो ये हो गया 200, 51/2 × 220, इसे हम तो इसका मान आता है 5610, तो हम 51 पदों का योग 5610, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, दो लंब वृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है, तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए हमें क्या करना है, पहले तो ये बेलन के लिए है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है, तो उनका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उनका अनुपात निकालना है और साथ में आयतन का भी अनुपात निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम मानते हैं, माना पहले एवं दूसरे बेलनों की त्रिज्याएं। अब यहां पे देखिए उनकी जो त्रिज्याएं हैं वो 2:3 में है, तो मैं यहां पे 2r और 3r मान लेता हूं, और उनकी जो ऊंचाइयां हैं पहले और दूसरे की वो 5 और 4 का अनुपात है, तो मैं 5h एवं 4h है, ये हमने मान लिया। अब हमें क्या करना है, दोनों बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब हमें पता है बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो 2πrh है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले एवं दूसरे बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। हमें इसका फॉर्मूला तो पता है 2πrh, सो 2πr यहाँ पे पहले वाले के लिए कितना है 2r, पहले वाले के लिए h है 5h/2π, दूसरे वाले के लिए 3r और ये 4h है, इसमें देखिए 2 से 2 π से π कट गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम 2×4, तो यहाँ पे जो उत्तर आता है वो 5
बटा 6, तो ये इनका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है वो 5:6 है। अब हम देखते हैं उनके आयतन का अनुपात। पहले एवं दूसरे बेलन के आयतन का अनुपात, तो हमें पता है बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। सो पहले के लिए पाई, पहले के लिए आर जो है 2 आर, आर स्क्वायर दो बार हम गुणा कर देंगे, एच में हम लिख देंगे 5 एच। दूसरे के लिए पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर का मतलब 3 आर है और ऊंचाई का मतलब 4 एच है। इसमें भी हम कैंसिल आउट करते हैं, आर से आर कट गया, एच से एच कट गया। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 और 2 4 और ये भी 4 कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 5/9। तो यहाँ पे उनके जो आयतन है वो 5 और 9 है और जो वक्र पृष्ठ का है वो है 5 और 6 का अनुपात। तो हमें इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। प्रश्न 4, यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि टेन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कोट ए बटा 2। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे ए बी और सी त्रिभुज के अंतःकोण हैं, ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी जो होगा तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पे हमको बी प्लस सी चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी प्लस सी जो है वो 180 माइनस ए होगा। अब हम क्या करना है, हमने इसमें दोनों तरफ टेन ले लेते हैं इसको, या फिर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं जिसमें है टेन बी प्लस सी बटा 2। तो इसको हम लोग टेन बी प्लस सी की जगह 180 माइनस ए लिख सकते हैं बटा 2। अगर मैं इसको थोड़ा सा सरल करता हूं तो इसमें इसको मैं सेपरेट कर सकता हूं, अलग अलग कर सकता हूं, तो इसका मान हो जाता है टेन 90 डिग्री माइनस ए बटा 2। तो यहाँ पे हमें पता है कि टेन 90 माइनस थीटा जो है वो कोट थीटा होता है। सो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो जाती है, इसका जो मान हो जाता है वो कोट ए अपॉन 2 हो जाता है, जो कि हमको सिद्ध करना है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। प्रश्न नंबर 5, 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर हैं। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 घन हैं जिनकी भुजाएं हमें दी हुई हैं, उनको पिघलाते हैं हम। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि हम एक डायग्राम से दूसरे डायग्राम में हम इसको बदलते हैं, तो उस केस में आयतन दोनों का समान हो जाता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बने नए घन का आयतन किसके बराबर होगा, प्रथम घन का आयतन प्लस द्वितीय घन का आयतन प्लस तृतीय घन का आयतन, तीनों के घन के आयतन के बराबर ही जो होगा वो नए घन का आयतन होगा। हमें पता है घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3, तो यहाँ पे प्रथम की भुजा है 8, दूसरे की 6, फिर 1, तो ये बन जाएगा 8 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3। तो जब मैं इसको करता हूँ तो इसमें 512 प्लस 216 प्लस 1, तो इसको हम लिखते हैं तो ये 700 सेंटीमीटर 3। अब ये हमारे पास है जो नया घन बना है उसकी भुजा की पावर 3, तो यहाँ से नए घन की जो भुजा बन जाएगी वो बन जाएगी 729 का घनमूल, जिसे हम लिख सकते हैं
9 सेंटीमीटर। तो हमें उसकी भुजा पता लग गई, अब हमें बताना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो नया घन है उसका। तो हम लिखते हैं नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें पता है इसका फॉर्मूला है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणा भुजा यहाँ पे हमारे पास है 9, तो इसका आंसर आता है 486 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं किस तरह से हमने अटेम्प्ट किया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्रश्न 6, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं 105, 112, 119, इस तरह से हम इसको निरंतर चलाते रहेंगे, लेकिन जो लास्ट में आएगा वो 994 आएगा, क्योंकि इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो वो 4 अंकों की हो जाएंगी, और 105 से हम नीचे आते हैं तो ये 2 अंकों की हो जाती है। तो यहाँ पे प्रथम पद जो है वो 105, इनमें जो सार्वंतर है डी वो 112 में से 105 हमने माइनस किया तो 7, और जो इसमें लास्ट पद है nth टर्म है, nवां पद है वो है 994। तो यहाँ पे हमको जो n है ये पता लगाना है कि कितने पद हैं, तो हमें n पता लगाना है। यहाँ पे देखते हैं हमें पता है an a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये फॉर्मूला होता है, और इसकी वैल्यू जो है 994 हमें दी हुई है। ए का मान रख देते हैं हम 105, एन माइनस 1, डी की जगह हम लिख देते हैं 7, 994, 7 एन माइनस 1, 994 माइनस 105 को मैं दाएं पक्ष की तरफ शिफ्ट करता हूं, तो इसको माइनस करके हमारे पास आंसर आता है 889। तो एन माइनस 1 इसको मैं 7 से एक सौ सत्ताईस, तो n हो गया 127 प्लस 1, तो हमारे पास, तो यहां पे इस समांतर श्रेणी में जितने पद बने हैं वो हमारे पास बने हैं 128। क्यों? क्योंकि जो अंतिम पद है उसका मान हमने 128 निकाला है। तो इसका मतलब 7 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की जो संख्याएं बनती हैं वो हमारे पास 128 बनती हैं। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रश्न 7, 100 छात्रों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं, इनसे माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें माध्यक बताना है। हम इसके लिए संचयी बारंबारता सारणी बनाते हैं। ये देखिए वर्ग अंतराल जो था हमारे पास, ये उसकी फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति कितनी है। यहाँ पे हमने संचयी बारंबारता CF बनाया। अब इसको किस तरह से बनाते हैं, या तो इसके बराबर 6 लिख दो, अब 6 को 20 के साथ हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये 26, 26 को मैं 44 के साथ प्लस करता हूँ तो 70, 70 को फिर 26 के साथ प्लस किया जाएगा 96, 96 और 3, 99, 99 और 1, 100। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास कैपिटल N जो है टोटल फ्रीक्वेंसी जो है, या फिर आप यहाँ पे लास्ट नंबर देख सकते हैं वो N के बराबर होता है। तो यहाँ पे N बटे 2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आती है 50। अब यहाँ पे हमको ढूंढना होगा कि वर्ग अंतराल कौन सा है माध्यक के लिए। तो यहाँ पे हमें N अपॉन 2 से हेल्प मिलेगी, 50, 50 यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसमें जो 40 से 50 वर्ग अंतराल बनेगा वो अंतराल होगा जिसमें हमारा कोई भी माध्यक होगा। तो यहाँ पे हम 40 से 50 जो है वो हमारे पास माध्यक वर्ग अंतराल है। तो यहां से हम लोग वैल्यू देखते हैं, स्मॉल एल जो है ये 40, साथ में एच जो है वो हम देखते हैं कि वर्ग में कितने का डिफरेंस है, 50 और 60 में 10 का है, 60 और 70 में 10 का है, तो एच
का मान हो गया 10। साथ में हम देखते हैं f क्या है, यहाँ पे जो भी हमने माध्यक वर्ग अंतराल लिया है ये हमारे पास है f, तो यहाँ पे f की जो वैल्यू है वो 44 हो जाती है, और साथ में जो cf की वैल्यू है वो हमारे पास यहां तक जो कंप्लीट हो चुका है वो है 26। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है माध्यक का उसमें हम लिख लेते हैं L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। यहाँ पे कुछ बुक्स में सी एफ को यहाँ पे कैपिटल सी भी बोल देते हैं, लिख देते हैं। अब इसकी वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूं तो 40 प्लस 50 माइनस 26 बटे 44 गुणा 10, तो इसका जो आंसर आएगा 40 प्लस 24 बटे 44 गुना 10, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 22, ये हो गया 11 और ये हो गया 12। तो 40 प्लस 60 बटे 11 तो 40 प्लस 5.45, तो यहाँ पे हम जो माध्यक है उसको हम लिख सकते हैं 45.45 इसका उत्तर होगा। प्रश्न 8। एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है, 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए उत्तर में जो सुई की लंबाई दी हुई है हमें 6 सेंटीमीटर, वो तो यहाँ पे त्रिज्या बन जाएगी, और फिर हमें बताना है घड़ी के जो घंटे की सुई है वो 90 मिनट में कितना कोण बनाएगी। इसको समझने के लिए यूं करते हैं, अब जो घड़ी की सुई है घंटे की सुई वो 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटे का मतलब हम यूं समझते हैं कि वो 3 पे थी और उसके बाद वो 4 और 5 के बीच में आई, क्योंकि 3 बजे से 5:30 बजे का जो टाइम होगा वो 1.5 घंटे का हो जाएगा, तो छोटी सुई जो है वो 3 से हटके 4 और 5 के बीच में आ जाएगी, तो इसने कितना कोण बनाया। अब हम उसके लिए क्या करते हैं, हमें पता है सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि घंटे की जो सुई है वो पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाती है, तो घंटे की सुई 12 घंटे में कोण बनाती है 360 डिग्री का, तो वो 1 घंटे में कितना बनाएगी 360 बटे 12 30 डिग्री का, और हमें बताना है कि वो 1.5 घंटे में कितना कोण बनाएगी, तो 30 × 3/2, तो यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनेगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री है। अब हमें इसमें बताना है कि उसमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें पता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे आप लिख सकते हो घंटे की सुई द्वारा 1.5 घंटे में बना, जो भी त्रिज्य खंड बनेगा उसका क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, थीटा यहाँ पे है 45 बटे 360 गुणा पाई, हमें यहाँ पे 22/7 लेना है, 22/7, और आर जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो उसके लिए ये 8 हो गया ये 3 से कैंसिल आउट हुआ, ये 2 से और 3 से, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 99/7,
जिसमें 14.14 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर इतना हमारे पास त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बनेगा। प्रश्न 9, 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है लाल रंग का गुलाम, सेकंड है लाल रंग का पत्ता और थर्ड है ईंट की बेगम। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि इसमें कुल कितने हमारे पास आउटकम्स बनते हैं। तो यहाँ पे जो कुल पत्ते हैं वो हमारे पास कितने हैं, 52। तो हमें फर्स्ट में क्या करना है, लाल रंग का गुलाम। अब लाल रंग के गुलाम के कितने पत्ते हैं, देखिए लाल रंग के गुलाम जो टोटल हैं वो 4 हैं, जिसमें से 2 लाल रंग के हैं, 2 हमारे पास काले रंग के हैं। तो लाल रंग के गुलाम जो है हमारे पास वो 2 पत्ते हैं। तो क्या प्रायिकता होगी, लाल रंग का गुलाम तो इसमें जो हमारे चाहिए वो 2 पत्ते हैं, जो टोटल है वो 52 हैं, 52 हैं, तो हमारे पास 1/26 प्रायिकता हो गई। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है हमें लाल रंग का पत्ता। अब लाल रंग के पत्ते कितने हैं, टोटल 52 पत्तों में से आधे पत्ते लाल होंगे 26 और आधे काले होंगे, तो हम क्या प्रायिकता निकालेंगे कि उससे जो लाल रंग का पत्ता आए तो उसके लिए जो हमारे पास उसके फेवर में तो 26 हैं और जो टोटल हैं वो हमारे पास 52 है। तो 1/2 प्रायिकता हो गई कि उसमें जो पत्ता हम लेंगे वो लाल रंग का आएगा। और थर्ड है ईंट की बेगम। अब ईंट की बेगम तो पूरे 52 पत्तों में एक ही होगी, बेगम 4 होंगी जिसमें से ईंट की एक होगी, तो क्या प्रायिकता होगी ईंट की बेगम के लिए, एक पत्ता हमारे पास है 52 में से। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे। प्रश्न 10, आकृति में चक्रीय चतुर्भुज ABCD के चारों कोण ज्ञात करो। यहाँ पे हमको ये चारों कोण जो हैं वो पता लगाने हैं, लेकिन ये हमें पता लगाना है चक्रीय चतुर्भुज के लिए। तो हमें पता है कि चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने सामने के जो कोण हैं वो संपूरक होते हैं, दोनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण C दोनों का सम, दोनों का योग 180 डिग्री है। तो हम इसमें लिख देंगे पाई को 2y के साथ हमने जोड़ा तो 180, ये हो गया 3y, 180 तो y की वैल्यू हो गई हमारे पास 180/3 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है। अब हमें साथ में ये भी बताना है कि कोण B प्लस कोण D जो है वो 180 डिग्री है। B की जगह हम लोग लिख देंगे 3x और D जो है हमारे पास वो 2x है। इन दोनों का सम 180 डिग्री, 5x बराबर 180 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं x का मान 180/5। तो यहाँ पे x का जो मान है वो 36 डिग्री। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को करना है। तो ये थे 10 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके RBSC के मैथ के पेपर के लिए। इसी तरह के हम 10 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे। इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। And thank you very much for watching this video.